सभी पर्वों का एक अलग महत्व है, खास करके छठ पर्व जिसे महापर्व कहा जाता है। चार दिवसीय पर्व होता है, पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर लोग बड़े दिनों से इंतजार करते हैं। इस पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है। इसी क्रम में शहर से लेकर गांव तक तालाबों एवं घाटों की सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तालाबों एवं घाटों का 15 दिन पूर्व नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी। वर्तमान नगर आयुक्त के नेतृत्व में लगातार इस पर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। खास करके जो बड़े बड़े तालाब हैं उसकी साफ सफाई पर दरभंगा नगर निगम का विशेष निगरानी है। दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने आधे दर्जन तालाबों एवं नदी किनारे जहाँ लोग छठ व्रत करते हैं स्थल का किया निरीक्षण। कन्हैया मिश्र पोखर, मिर्जा खां तालाब, जिला स्कूल पोखर, किला घाट, हरिबोल तालाब, बालू घाट, नारद घाट एवं खास करके नदी का इन्होंने गहन निरीक्षण किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई दिया दिशा निर्देश। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी जिला पदाधिकारी को अपनी समस्या बताई, जिसका त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां जो एक सीढ़ी है उसको चौड़ा करने का दिया दिशा निर्देश। वहीं निरीक्षण के क्रम में इनके साथ नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम, कनीय अभियंता उदयनाथ मिश्र, कनीय अभियंता संजय शरण सिंह, श्री जितेंद्र कुमार झा एवं यांत्रिक प्रभात कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी इनके साथ उपस्थित थे। सर जी, कभी काम न था, नाला बोलता बनता है, सीढ़ी देखिए सर, हम लोग का दिक्कत नहीं है, जाम जाम पड़ा करता है, उसको दिक्कत है, आगे करते परेशान हो रहा है। देखिए सर, ये जो सीढ़ी है इसको यहाँ तक चौड़ा करने में क्या दिक्कत है? यहाँ अंतिम नीचा है, ये किनारा हटा दीजिए, किनारा यहाँ से जोड़ देगा, और ये जो सीढ़ी बना हुआ है ना इसको जोड़, इसको इधर जोड़ते चला जाएगा। बहुत टाइम नहीं है, आज लगाइएगा तभी होता है, मजबूत बनाना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इसी सीढ़ी के लेकर ये होगा कि इस पर चढ़ने उतरने में जो लाइन लगा रहता है वो कम हो जाए, इसको ये तो हटवा दीजिए, इसको चौड़ा कराइए। चौड़ा आप दो तरीके से करा सकते हैं, एक से अगर वहाँ से कर देंगे तो आ जाएगा, कहाँ से नहीं हो पाएगा वहाँ से करा। विशेष निर्देश दिए हैं सर, हम लोग किला घाट का निरीक्षण किए हैं छठ पर्व के मद्देनजर। यहाँ पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जहाँ मिट्टी की आवश्यकता है मिट्टी डालने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे एक पुराना ब्रिज है जो काफ़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में है, अब वो उपयोग में भी नहीं है, वैकल्पिक नया ब्रिज बन गया है। हम लोग पुल निर्माण निगम विभाग को ऑक्शन करके उसको हटाने के लिए अनुरोध करेंगे। और दूसरा है कि यहाँ पे जो सीढ़ी है जिससे लोग आएंगे जाएंगे उसको चौड़ा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महोदय आए थे, आपने उनके साथ उनके पास एक समस्या रखी है, क्या समस्या आपने रखा है? समस्या रखी है कि घाट का नाला जो है घाट के बीचे बीच है, और नाला हर साल से बोला जा रहा है कि बनाया जाएगा लेकिन बनता नहीं है, इसके कारण घाट का यानी डाला रखने में बहुत दिक्कत होता है, गंदगी वाला पानी आता है, नाला का पानी बहता है, उसमें कैसे घाट पूजा कर पाएगा सर? तो नाला को बनवा के पैक करवाने के लिए समस्या रखा गया, लेकिन वो हर साल बोला जाता है लेकिन नहीं होता है। क्या नाम है आपका?